आयरन रेन, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन एक एक घंटे की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे ऑकिन की कहानी जो 30 साल से बार्सिलोना के सी पोर्ट पर राज कर रहा है और बहुत कामयाबी से अपने ड्रग ट्रैफिकिंग के बिजनेस को चला रहा है। लेकिन ऑकिन का ये एम्पायर उस वक्त खतरे में पड़ जाता है जब कोई उसको जान से मारने की कोशिश करता है और उसके ड्रग से भरे एक शिपमेंट को भी चुरा लेता है। और फिर उसके बाद ऑकिन और उसकी फैमिली और उसके बिजनेस को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये एक सॉलिड क्राइम ड्रामा है। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको इस सीरीज में ऑलमोस्ट वो सारे एलिमेंट देखने को मिलेगा जो आप किसी भी अच्छे माफिया ड्रामा में देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज में प्यार है, धोखा है, सेक्स है, बदला है, गन फाइट सीन्स हैं, चेस सीक्वेंस हैं और ब्रुटैलिटी है, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स हैं, एंगेजिंग स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ऑलमोस्ट वो सब है जो आप क्राइम ड्रामा में देखना पसंद करते हैं। और अगर आप एक यंग ऑडियंस हैं और अगर आपने अभी क्राइम जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है और अगर आपको क्राइम ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस साबित होगी। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस ऑडियंस हैं और अगर आपने गॉडफादर से लेकर नार्कोस और पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश और हिंदी क्राइम ड्रामास पहले देख रखे हैं तो फिर ये सीरीज आपके उस एक्सपीरियंस में कुछ भी खास नया ऐड नहीं कर पाएगी। आपको इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर सब कुछ काफी फेमिलियर फील होगा और आप इस सीरीज के मोस्टली ट्विस्ट प्रिडिक्ट कर लेंगे। और ऐसा सिर्फ प्रो ऑडियंस के साथ ही होगा, यंग ऑडियंस इस शो को काफी एंजॉय करेगी। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस ऑडियंस हैं तो फिर आप ये सीरीज ना देखें। मेरी नजर में इस सीरीज में फेमिलियर एलिमेंट्स होने के बावजूद भी टाइम पास के लिए ये सीरीज जरूर देखी जा सकती है अगर आपको क्राइम ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं तो। बस हां, पेसिंग वाइज ये सीरीज थोड़ी स्लो है और शो की लेंथ भी मेरी नजर में थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसलिए आप इस शो को वन गो में देखने की कोशिश ना करें। आराम आराम से एक दो एपिसोड्स करकर रोजाना देखें तो फिर ये शो आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगा। लेकिन हमारी यंग ऑडियंस इस शो को ज्यादा एंजॉय करेगी। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि सीरीज में आपको न्यूडिटी और सेक्स सीन देखने को मिलेगा और इस सीरीज के सीजन 1 में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।